मोमो चाउमीन थुप्पा सब मिल जाएगा आपको। ये मेरा सब्सक्राइबर, मेरा वो बेस्ट वन एंड सब्सक्राइबर। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइगर टाइगर। सो गाइस, आज का ब्लॉग है नौ सिटिंग की नाइट लाइफ को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या फिर आपका कुछ राय हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे नौ सिटिंग का बस स्टैंड और ये यहाँ पे एयरफोर्स गेट, एयरफोर्स का गेट है यहाँ पे और ये है नौ सिटिंग का गेट। और यहाँ भी है एक एयरफोर्स का गेट जो नया बन रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये है नौ सिटिंग का नाइट का बाजार। तो यहाँ पे दुकान है मेरा भैया का, अरुंदा फास्ट फूड दुकान है, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। आए मोमो चाउमीन थुप्पा सब मिल जाएगा आपको। ये जो गाड़ी आ रहा है यहाँ से सीधा, ये सीधा रास्ता जाता है ताल तलो। तो ये है ग्वाला, यहाँ पे ग्वाला होटल हम दुकान बोलते हैं, जहाँ पे समोसा सब मिठाई मिठाई। यहाँ है जेसन दा का दुकान, जेसन स्टूडियो। यहाँ पे सब मोमो स्टोर है, यहाँ पे नॉसरिंग पूरा पूरा का पूरा फास्ट फूड, मेडिकल स्टोर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एटीएम नहीं आ रहा है उसका बैनर। और यहाँ पे नॉसरिंग का फेमस मोमो दुकान विनोद भैया का, मोमो विनोद भैया का मोमो दुकान। छोटा मोटा बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे, दुकानें हैं यहाँ पे, शॉप्स। यहाँ पे भी एक नर्सिंग होम है सलवा नर्सिंग होम के नाम से, और यहाँ पे एक उनका मेडिकल शॉप भी है हॉन्गकॉन्ग बार। जैसा ये खड़गपुर में जितने लोग हैं उनको पता ही होगा ये क्या है और कहाँ है। यहाँ पे ज़्यादातर बाहर से ही आउटसाइडर्स ही आते हैं। और ये है होलसेल जनरल स्टोर, यादव जी का जनरल स्टोर है यहाँ। यहाँ पे जितन दादा का मोमो दुकान, यहाँ पे पोर्क का मोमो भी मिल जाता है और गैराज, ये सब तो है ही यहाँ पे। बहुत बहुत आपको बहुत सारा स्टोर मिलेगा, मोमो स्टोर। यहाँ पे वाव मोमो है, वाव शॉप, वाव मोमो जहाँ पे हम लोग खाले खाए थे। फास्ट फूड का स्टोर है, इसका नाम है सेवारो। और यहाँ पे लाइट भी दिया है उन्होंने, और यहाँ पे टैटू का भी है शॉप, ब्लैक एंड ग्रे टैटू। और नर्सिंग में और एक नर्सिंग होम है, और निवेदिता नर्सिंग होम। मैकडॉनल्ड्स का वाइन शॉप है यहाँ पे आप। और एक और नया दुकान खुला है यहाँ पे गोपाली और नॉस्टिंग के बीच में, एक ढाबा ही है ये। यहाँ पे आपको इंडियन चाइनीज तंदूरी सब मिलेगा ये ढाबा। ये वाव मोमो है, वाव फास्ट फूड, सॉरी वाव मोमो नहीं, वाव फास्ट फूड।
और यहाँ पे पोर्क का शॉप है, ये थोड़ा सा रास्ते से थोड़ा सा अंदर है, तो चलो आपको दिखाते हैं। वो भी एक पोर्क स्टोर है। राइट लेंगे, राइट लेंगे तो यहाँ पे भी एक चिकन का स्टोर, यहाँ पे कपड़े का स्टोर है गाइस, यहाँ पे भी एक फास्ट फूड है और यहाँ पे मिलता है पोर्क मोमो। और ये है हमारा एक शिव जी का मंदिर। जब से मैं मतलब छोटे से ही मैंने ये मंदिर को देखा है, और अभी ये रिनोवेट होके थोड़ा सा अच्छा कंडीशन दिख रहा है, लेकिन पहले बहुत छोटा था, बट अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगता था। हम आते थे यहाँ पे पूजा करने, और ये एक हमारा शिव जी का मंदिर है यहाँ पे सलवा में, नॉस्टिंग में, और नियर बस स्टैंड है ये, ऑपोजिट है ये एयरफोर्स। तो गाइस हम लोग फिर से आ गए इस दुकान पे, और हम लोग आए हैं अंडा लेने। आज बनाएंगे अंडा बिरयानी। चलो फिर हाफ दर्जन पैक हो गया, अब चलते हैं सीधे घर पे। तो गाइस ये है पतंजलि मोमो, और ये पतंजलि मोमो कहाँ मिलता है? इस दुकान में मिलता है, रामदेव बाबा के नीचे। पतंजलि मोमो दिखाओ, पतंजलि मोमो दिखाओ, तुम दिखाओ। तो हम लोग ने लिया है यहाँ पे हाफ दर्जन अंडा, एक ग्रीन चिली सॉस, तीन नूडल्स और वुचिंग, एक किशमिश मेरे लिए, आलमंड और काजू। यह है मेरा डाइट, डेली डाइट। और पोहा भी ले लिया, और एक वेज मेयो, और ये डव का शैम्पू लिया हैंड वॉश के साथ, पिज्जा के छाने के लिए एक टोमेटो केचप, और ये मेरे लिए बिस्किट, बिस्किट के साथ ये ब्रश फ्री है। तेरे के नाम से पूरा नाम के ले चल रहा है, पूरा लोहार है ना, सानू सानू छोड़ हेन पर्स। ये मेरा सब्सक्राइबर, मेरा वो बेस्ट वन एंड सब्सक्राइबर। आज का वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो स्टे ट्यून गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम आपसे मेरे अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, डू व्हाटएवर लाइक, टेक केयर माय लवली फ्रेंड्स। के भन्दैछ मामाले? बिचरा मामालाई नलुडो न, बिचरा मामालाई खाऊ भन्दै क्यामेरामा देखेर मामाले खाऊ भन्दैछ, बिचरा नभन त्यस्तो क्यामेरा देखेर।